नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। नगर पालिका परिषद उन्नाव के अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष के भ्रष्टाचार के विरोध में उन्नाव के पार्षदों ने किया धरना प्रदर्शन। जी हां, ये प्रदर्शन मुख्य रूप से 5 मई से ड्राइवर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य दैनिक मजदूरों का वेतन न मिलने के कारण किया गया। साथ ही अन्य कर्मचारियों के 3 महीने से वेतन न मिलने की वजह से भी ये धरना प्रदर्शन किया गया। उपकरणों की खरीद एवं रिपेयरिंग में भ्रष्टाचार के संबंध में व नगर में सफाई उपकरण जैसे हाथ गाड़ी, मैजिक व अन्य के ना के बराबर होने की वजह से पार्षदों में आक्रोश देखा गया। सूचना नेटवर्क के लिए उन्नाव से गिरधर श्याम की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार फाइलों के नाम पे बोर्ड में 2 साल पहले छोटी फाइलें बंद कर दी गई हैं। कम से कम 400-400 फाइलें बना के उसका फर्जी भुगतान किया जा रहा है। चूना के नाम पे जल डाली जा रही, उसका भी 500 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। और ना कोई किसी का प्रस्ताव दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार की क्रास बन रहा है, ना 3 साल से कोई नाला सफाई हो रही है। बजट आता है, पूछने पर यह नहीं पता चलता है बजट दीमक की तरीके कहाँ चला जाता है। कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं, प्रशासन भी इनसे मिला हुआ है। इसलिए अगर हमारी ये मांगे यहाँ पे पूरी नहीं हुई, भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजा गया, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आ जाएंगे, उनके आवास पे धरना देंगे और जरूरत पड़ी तो जनता के लिए आप दावी करेंगे। नगर पालिका मुर्दाबाद फैलता हुआ जा रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है।